अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किसी ने मेरे चैनल पर फेक स्ट्राइक मारकर मेरी 3 वीडियो को टेक डाउन करवाया है। अब दोस्तों, अगर आपके चैनल पर भी इस तरह की कोई भी फेक स्ट्राइक आ जाती है, आपने अगर अपनी वीडियो में कोई भी मिस्टेक नहीं की है और आपके चैनल पर अगर फेक स्ट्राइक आ जाती है, आपकी किसी भी वीडियो को कोई टेक डाउन करवा देता है, तो आप लोग अपनी उस वीडियो पर कैसे अपील कर सकते हो, कैसे आप लोग काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करोगे, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को एक काम करना है, अगर आप लोगों की किसी भी वीडियो पर गलती से भी फेक स्ट्राइक आ जाती है, आपके मतलब चैनल पर अगर फेक स्ट्राइक आ जाती है, तो आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ट्विटर पे एक ट्वीट कर देना है और उसमें YouTube इंडिया को टैग कर देना है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों के जिस वीडियो को टेक डाउन किया गया है, उस पर आप लोगों को काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक का पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपके चैनल पर कोई भी फेक स्ट्राइक ना आई हो, लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर गलती से भी आपके किसी भी वीडियो पर फेक स्ट्राइक आ जाती है, तो आप लोग किस तरीके से काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करोगे और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक का पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजपासे यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, प्रमोशन वाला कोड आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में कहीं पर भी मिल जाएगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो के जो विनर थे उसको भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले विनर के वीडियो का लिंक मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। जब मैंने इस वीडियो को अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उस टाइम पे इस पे 62 व्यूज थे और 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे के बाद भी अभी इस पे 71 व्यूज हैं, यानी कि 10 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं ठीक से। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो भाई किसी को सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। आज किसी और का नंबर है, कल आपका नंबर आएगा तो आपको भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए। कोई भी विनर होता है, उसके वीडियो को आप लोग देखिए, उसके वीडियो को प्यार दीजिए, उसके वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अगला विनर उसी के वीडियो से ही निकालूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो पर, मुझे लगता तो नहीं है कि आप लोगों ने कॉमेंट किया होगा, तो मैं आज के ही वीडियो पर जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है उसी से विनर निकालने वाला हूं। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरा काम कर रहा हूं, आप लोगों की मदद कर रहा हूं, तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी मतलब एक दूसरे की मदद करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के विनर को देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आज के विनर को देख लेते हैं, आज के विनर कौन होते हैं। देवराज गेमिंग 777, तो इनके चैनल का नाम है, आज के विनर ये हैं। इनके वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग इनके वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इनके वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। आप लोग इनके वीडियो को पूरा देखोगे, इनके वीडियो पे कमेंट करोगे, तो अगला विनर मैं इन्हीं के वीडियो से ही निकालने वाला हूँ। अगर आप लोग इनके वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे, तो फिलहाल मजबूरन मुझे अपने वीडियो से ही कमेंट निकालना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोड मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सारे काम मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको देखिए सिंपली करना क्या है, आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने चैनल को लॉग इन करके अपने चैनल का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो जब आप लोग अपने चैनल का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन कर लोगे, तो आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक होती है तो आपको यहीं पर देखे चैनल के डैशबोर्ड के ऊपर ही आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर कि आपके चैनल पर कितनी स्ट्राइक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक है और यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कितनी वीडियोस को टेक डाउन किया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यानी कि मेरी 3 वीडियोज़ को टेक डाउन किया गया है और कौन कौन सी वीडियो है उसकी सारी डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों देखिए, अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों के चैनल पर जो भी स्ट्राइक है, जो भी वीडियोज़ आप की टेक डाउन करवाई गई है, सिंपली देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मेरे चैनल पर एक एक्टिव स्ट्राइक पड़ी हुई है। तो अब आप लोगों को देखिए सिंपली करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, तो इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी रहती है कि जो स्ट्राइक होती है वो कितने दिनों तक रहती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 19 डेज़,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो मेरी तीन वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला हुआ है, मतलब कि मेरी तीन वीडियोस जो है टेक डाउन करवाई गई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों वीडियो हैं। अब दोस्तों आपको सिंपली देखिए करना क्या है, जैसे कि ये वाला वीडियो है, आपको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन का एक बटन मिलता है, जैसे कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन का एक बटन मिलता है, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे बारी बारी करके। यहाँ पर मैं पहली वाली वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि सेलेक्ट एक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन मिलता है सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन, यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दबाजी में समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब कि जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कुछ मतलब लिखा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको करना है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आई अंडरस्टैंड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को कंटिन्यू का, यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आप लोगों को मतलब ठीक तरीके से फिल कर लेना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आप लोगों को अपना फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और आपकी कंट्री, और यहाँ पर अपना सिटी, और यहाँ मतलब यहाँ पे स्ट्रीट, और यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे जिप कोड, यानी कि जो आपका मतलब पिन कोड होता है वही। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आता है, इसको कंटिन्यू कर देना है। तो सबसे पहले मैं ये डिटेल जो है फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों मैंने तो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है, तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज टाइप करना है, एक मैटर टाइप करना है, जैसा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड में लिखकर पहले से ही रखा हुआ था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से मतलब कि ये जो मैटर है कुछ इसी तरीके से लिख लेना है कि आपके मतलब वीडियो पे क्या प्रॉब्लम, किस वजह से आपकी वीडियो को टेक डाउन करवाया गया है। जब मेल आता है तो उस मेल में लिखा होता है कि आपकी वीडियोज़ को क्यों टेक डाउन करवाया गया है, तो वहीं पर आपको पता चल जाता है। तो आपको बता देना है क्लियर यहाँ पर कि मेरी गलती कुछ भी नहीं है, मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से मैटर आप लोगों को लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन बॉक्स आप लोगों को मिलते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम फिल कर दीजिएगा, अपने चैनल का नाम नहीं फिल करना है यहाँ पे, आपको अपना नाम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सभी चीज़ें करने के बाद, यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आता है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सबमिट कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपकी जो काउंटर नोटिफिकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से सबमिट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर नोटिफिकेशन सबमिटेड, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, या फिर इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो पर मैंने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर दिया, तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज़ पर काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर देना है, जो भी वीडियोज़ रहेंगी। अगर एक वीडियो है तो एक वीडियो पर काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर देना है, सेम इसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वीडियो पे मैंने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट किया हुआ है, और नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर नोटिफिकेशन अवेटिंग रिव्यू, मतलब कि अभी रिव्यू में है। जब ये मतलब इसको चेक करेंगे, यूट्यूब टीम जब इसको चेक करेगी, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी, वैसे तो मेरी कोई भी गलती नहीं है इस वीडियो में, तो मेरी वीडियोज़ जो है मुझे सही सलामत मुझे वापस मिल जाएगी, मेरे चैनल पर फिर से पब्लिश हो जाएगी। तो सेम मैं इसी तरीके से इन दोनों वीडियो पे भी काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर दूंगा। तो सेम इसी तरीके से आप भी, अगर आपके चैनल पर भी कोई भी फेक स्ट्राइक आ जाती है, तो आप इस तरीके से काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।